मुझे हुक्म हुआ है कमेटी की जानिब से कि एक और शायर की हाजिरी यहाँ पर हुई है, जनाबे अकमल प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बहुत खूबसूरत सा मुशायरा। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मोहम्मद अहमद साहब का, जिनकी एक छोटी सी दावत पर आपके दयारे मोहब्बत में मेरी हाजिरी हुई। और बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ जनाब हफीज भाई को, जिन्होंने कम दिनों में इतने खूबसूरत मुशायरे को सजाया है। जी इरशाद। आइए दोस्तों, मैं चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिए क्या कहें। नजर फिर आन जैसी ले के एक हैवान आया है। वाह वाह वाह। नजर फिर आन जैसी ले के एक हैवान आया है। हमारे दरमिया लोगो अजब इंसान आया है। हमारे दरमिया लोगो अजब इंसान आया है। अर्था जिस जालिम ने मेरी कौम को गुजरात में मारा। वाह। था जिस जालिम ने मेरी कौम को गुजरात में मारा। हमारे हमारे देश में फिर से वही शैतान आया है। हमारे देश में फिर से वही शैतान आया है। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं और बड़े प्यार से सुन रहे हैं। आइए मैं आखिरी चार मिसरा पढ़ करके अपना सफर खत्म करता हूँ। मेरे बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, वो प्रतापगढ़ के हैं तो मैं बेलहा का हूँ, थोड़ा सफर गए। मैं आखिरी चार मिसरा पढ़ करके अपना सफर खत्म करता हूँ। और हिंदुस्तान प्रतापगढ़ हिंदुस्तान में के काम की आन और बान बन जाएंगे। मैं आखिरी चार मिसरा पढ़ता हूँ इमरान भाई, अगर ये मिसरे आपके दिल को छू जाए तो मुझे आपके हाय हाय वाह वाह। के काम की आन और बान बन जाएंगे। दीन की अपने पहचान बन जाएंगे। दीन की अपने पहचान बन जाएंगे। और जालिमों जुल्म से बाज आ जाओ तुम। जालिमों जुल्म से बाज आ जाओ तुम, वरना हम टीपू सुल्तान बन जाएंगे। वरना हम टीपू सुल्तान बन जाएंगे। दीन की अपने पहचान बन जाएंगे।